और एक बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे हैं कार्यकर्ता। बेंगलुरु में बजरंग दल की एक बाइक रैली भी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का वादा किया है, जिसके बाद से ही वहां सियासत गरमाई हुई है इस पूरे मामले को लेकर के। अब मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ जारी है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके लिए रोक भी लगाने की बात कही थी और मना भी किया था इसको लेकर के, लेकिन ऐसे में जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, बेंगलुरु में बजरंग दल की बाइक रैली भी चल रही है। चुनाव से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन करने की बात कही गई है और ऐसे में तब से ही ये सियासी घमासान इस मुद्दे को लेकर के जारी है। एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, कल ही विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और ऐसे में उसके पहले देखिए बजरंग बली के ऊपर ये सियासी घमासान छुड़ा हुआ है। मैडम सदुपे इंदुक मैडम मैडम सदुपे इंदुक मैडम विधानसभा चुनाव में इस बार बजरंग बली एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर के उभरे हैं, क्योंकि जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ और उसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की गई, उसके बाद से ही बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और साथ ही साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता आप देखिए कैसे आज मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस के भी कई नेता खुद को बजरंग बली का बड़ा भक्त बताने में भी जुट गए थे,